अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम उर्दू की किताब का सफर नंबर 85 उस पे है जमीन की कहानी। जमीन की कहानी आपको से नाम जाहिर हो रहा होगा, नाम से एक आप बीती है। मेरी जमीन अपने बारे में खुद बात कर रही, बता रही है कि मैं कैसी थी। अब देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। मेरी जमीन खुद कह रही कि मैं जमीन हूँ जिस पर हम सब लोग रहते हैं, आप सब लोग रहते हैं। मैं कब वजूद में आई इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका। लोग सदियों से इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए कि मेरा वजूद कब आया, कब हुआ, और अब तक इसको हतमी नतज नहीं निकल सके। इसको कोई सब नतज तक नहीं पहुंच सका कि वजूद में कब आई जमीन। बस अंदाजे लगा रहे हैं और अभी तक इसकी पैदाइश की कहानी के बारे में सुन रखा है कि ये कब वजूद में आई, कैसे वजूद में, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। वो कहानी यूँ है कि वजूद में आने से कबल ये सूरज से का हिस्सा थी जमीन। अब जमीन अपने बारे में खुद बता रही है कि मेरे वजूद में आने से कबल मैं सूरज का हिस्सा थी। सूरज के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वह यहाँ गर्म है और तेजी से घूमता है। तेज रफ्तारी के बाइस उसके कई हिस्से अलग हो गए, इनमें से एक हिस्सा वो मैं खुद हूँ। मैं खुद का मतलब जैसे जमीन वो खुद बता रही है अपने आप को कि मैं खुद हूँ। जब वो सूरज से अलहदा हुई तो उसका सूरज की तरह इंतहाई गर्म थी। उस गर्मी की वजह से इसके ऊपर किसी भी चीज का जिंदा रहना नामुमकिन था। नामालूम कितने अरसे तक ये बंजर पड़ी और वीरान पड़ी रही। बंजर का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ना खेती, ना बाड़ी, ना कुछ भी नहीं हो सकता था जमीन पे। और वो बंजर और वीरान पड़ी रही, वीरान का मतलब कुछ सन्नाटा, कोई नादम नादम जा। आहिस्ता आहिस्ता जब इसके ऊपर किया, अब वो बता रही कि आहिस्ता था मेरे ऊपर की तथा ठंडी होती गई, जिसकी वजह से मेरे ऊपर की सदा बिल्कुल ठोस हालत में जब आ गई, यानी मजबूत हो गई, भारी हो गई, फिर मेरे हालत पर कायम रहने के लिए मुझे, यानी कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने पहाड़ खड़े कर दिए। पहाड़ की वजह से वो खूबसूरत लगने लगी जमीन। जमीन अपने बारे में बता रही कि मेरे उसमें जब इजाफा हुआ तब अल्लाह ताला ने मुझे ठोस हालत में कर दिया, और ठोस हालत में करने के बाद उस पर पहाड़ खड़े कर दिए, तो मेरी जमीन मैं खूबसूरत लगने लगी। मेरे ठंडे होने के बाद यदि जिंदगी का आसान नुमाया होने लगे। कहा जाता है कि पिता में मुझ पर खौफनाक किस्म के जानवर थे। कोई रौनक नहीं थी, कोई आबादी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। इस रौनक को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों को आबाद किया। इंसानों के अलावा बेशुमार मखलूकात भी आबाद की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम मखलूकात में इंसान बेहतरीन और अफजल मखलूक है। इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म दिया, सोचने समझने की सलाहियत तय करी। उनकी सलाहियत की वजह से उसे जमीन के ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरती पैदा की, और किस तरीके से पैदा की, उसमें काम करना शुरू किया। उसने इंसान आबाद हो, इंसान जब आबाद होना शुरू हुए तो अल्लाह ताला ने साथ साथ में किसी किस्म के खूबसूरत परिंदे और जानवर भी पैदा किए, और उसकी रौनक में इजाफा होता चला गया। रौनकों में इंसान की हिम्मत की वजह से काफ़ी तलाश व जस्तजु के बाद यह जमीन आबाद हो गई, और इंसान अपनी सहूलत और आसानी के लिए घर बनाने शुरू किए। वो जगह जगह मिलजुल कर आबादियों की सूरत में रहने लगे, यानी कि आपस में लोगों का ताल्लुक जुड़ना शुरू हो गया। इंसानों की मेहनत को देखते हुए मैंने अपनी जमीन को कह रही कि इंसानों की जो मेहनत मैंने देखी, उसने घर बनाया और आपस में मिलजुल कर के रहने लगे। तो फिर मैंने अपनी जमीन के मुँह से दाने उगलना शुरू कर दिए। जो मेरी जमीनों में जो चीजें के अंदर दबी हुई थी मुश्किल मेरे अंदर, वो मैंने उगलना शुरू करी। जैसे अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, इस तरह की चीजें जिस पर इंसानों ने सबर नहीं किया, यानी कनात किसे कहते हैं सबर, थोड़ी सी चीज पर सबर नहीं किया, बल्कि उसने और उसमें तहकीक करना शुरू कर दी। मुझ पर किसी किस्म की मशीनें उसने याद की। इन मशीनों की वजह से जमीन को उसने चीरना शुरू कर दिया, यानी चीरना जमीन को सुराख करना शुरू कर दिया, उसमें से चीजों को निकालना शुरू कर दिया उसने इंसान ने। जमीन अपनी कहानी बता रही है कि उसने मुझ पर सुराख करना शुरू कर दिया, और मुझे खुशी हो रही थी कि इंसान मुझे दरियाफ्त कर रहा है। और मुझ में से कोयला, जिप्सम, हीरा, मुझे ऐसी मदनियाँ, सोना, चांदी, पीतल, ये सब मुझ में से जमीन पे से निकली और अभी तक निकल रही है। लोग मुझ पर तहकीक पर जस्तजू कर रहे हैं। इंसान की ज्यादा कर मेरा खपा हुई थी, तो मुझे आबाद कर रहे थे और मुझे खूबसूरत बना रहे थे। फिर इंसान कबाइल और ग्रोह में तकसीम हो गए। उन्होंने जमीन के हिस्से बकरे करना शुरू कर दिए। उन्होंने अलग अलग मुल्क बनाना शुरू कर दिए।
जबकि सब एक ही माँ बाप की औलाद, यानी पूरी जमीन पर तमाम लोग इस तरह बसे हैं, उन्होंने अपने आप को ही हिस्से बखरे करना शुरू कर दिया, जमीन पे हिस्से बखरे करना शुरू कर दिए और अपने दिखो और दूसरों को तबाह करने के एटम बम और देगर मौलिक हथियार तक बना डाले, मौलिक हथियार जिनसे नुकसान पहुंचे, अपने दिफा अपने बचाव के लिए, इंसानों ने अपने बचाव के लिए और दूसरों को तबाह बर्बाद करने के लिए, किसी को फलता फुलता नहीं दे सकते, तरक्की नहीं दे सकते, तो उन्होंने हथियार भी बनाना शुरू कर दिए। मेरा ख्याल था जमीन अब कह रही है कि मेरा ख्याल था कि ये शायद हथियार सिर्फ बना रहे हैं, उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जमीन ने मेरी अहम ख्याली थी, यानी जिसे मेरी सोच थी, लेकिन ऐसा नहीं है, इंसानों ने इंसान का ही दुश्मन हो गया। जापान जैसा मुल्क उसके शहरों हिरोशिमा नागासाकी पे इसने पहली मर्तबा एटम बम गिराए और इन बमों की वजह से मेरे सीने में इस कदर गहरे शगाव पड़ गए, इतने बड़े बड़े घड़े हो गए, सुराख हो गए कि वो एक अरसे तक न भर पाए। लाखों इंसान इसमें, चाहे वो जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब के सब इसमें थे, पलक झपकते ही यानी आँख उजल होते ही घंटों में सेकेंडों में जलकर वो राख का ढेर हो गए। ये जब मंदिर में याद आता है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है और मेरा ख्याल कि सोमनाथ तबाही के बाद इंसान दोबारा ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं, लेकिन अफसोस इस इंसान ने इससे कोई सबक हासिल ना किया, बल्कि उसने और भी तबाह बर्बादी करना शुरू कर दी। इंसान भी मेरी मट्टी से बना है और जो मुझे माँ कहकर पुकारता है, जिसकी बका यानी जिसकी जिंदगी सिर्फ मेरी वजह से है, उसको खालिक ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा करार दिया है। अशरफुल मखलूकात तमाम चीज़ों में बेहतरीन शर्त इंसानों को अता किया गया है। इसके बारे में जब मैं सोचती हूँ जमीन के तीन में बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्या यही की फजीलत और शराफत है? जो काम ये कर रहे वो दरिंदे भी नहीं करते, दरिंदे यानी जानवर वगैरह भी, जो खौफनाक जानवर होते वो भी हरकत नहीं करते। इसलिए मैं इंसानों से इल्तिजा करती हूँ, आप जमीन गुजारिश कर रही है कि मैं इंसानों से इल्तिजा करती हूँ कि इंसान होश में आ जाओ और अपनी तकलीफ जो आपको पैदाइश का जो आपका मकसद है, उसके मकसद के तहत मेरे ऊपर बसने वालों को दबाव बर्बाद ना करो। याद रखो कि अगर इन हरकत से बात ना आए तो फिर तुम्हारा अंजाम भी बड़ा दर्दनाक होगा। इंसानों को जमीन कह रही है कि अगर आप मुझ पर तबाहियाँ करते रहोगे, मुझे तबाह बर्बाद करते रहोगे, तो तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा, तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे। मैं तो तुम्हारी एक मेहरबान माँ हूँ और मेहरबान माँ के साथ ऐसा बर्ताव तो तुमको जेब नहीं देता, तुमको नहीं सकता। आपको समझ आ गई बात? पूरी कहानी ये एक आप ही थी, जमीन अपनी कहानी बयान कर रही थी। ठीक है बेटा, यहाँ पे आज क्लास खत्म हो रही है। अल्लाह हाफिज़।